सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी बीपीसीसी 105 की यूनिट 2 के ऊपर। तो हम लोग कंप्लीट करेंगे हम लोग अपना प्रार्शिक एग्जाम खेके और अप्रार्शिक एग्जाम खेके। तो जिन लोग को कुछ भी याद नहीं है बीपीसीसी 104 का, उन लोग को ये वीडियो नहीं देखनी है, उन लोग को ये वीडियो कुछ खास समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग बीपीसीसी 104 पढ़ के लो और फिर आके ये वीडियो देखना, तब आपको हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। हम ऐसी आशा रखते हैं आप लोग के साथ, हमारी हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, दुविधा के लिए खेद है। तो प्राचलिक सांख्यिकी और प्राचलिक सांख्यिकी क्या होती है, देखो पियर्सन ने आघूर्ण गुणक सहसंबंध टी परीक्षण और प्रसरण का विश्लेषण इनोवा प्राचलिक सांख्यिकी तकनीकें कही जाती हैं। ठीक है, इसी को पियर्सन का आघूर्ण सहसंबंध वही टी परीक्षण और प्रसरण के विश्लेषण अनुभव प्राचलिक सांख्यिकी कही जाती है। इनमें ऐसे आंकड़े शामिल होते हैं जो परम संख्या या मान के रूप में होता है, ये अनुक्रम वाली आंकड़े नहीं होते हैं। हमने बीपीसीसी 104 में प्राचल के विषय में चर्चा की थी। ठीक है, प्राचल एक ऐसी मान है जो अनिवेशाधीन जनसंख्या के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इस जनसंख्या में केंद्रीय प्रवृत्ति प्रसरण से संबंध आदि के सभी जनसंख्या सदस्यों के लिए मान सूचकों का मापक कहा जाता है। ठीक है, यह है मोहंती एवं मिश्रा। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचलिक सांख्यिकी मुख्यतः एक जनसंख्या की विशेषताओं या अभिलक्षणों पर निर्भर करती है, मतलब उनकी क्या विशेषता है और उनका क्या अभिलक्षण है इसी पर निर्भर करती है। प्राचलिक सांख्यिकी को तो सब में अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जिनको आपको बेस्ट लगे आप उसे समझो। तो लेकिन मुख्यतः क्या कहना चाह रहा है, जनसंख्या की विशेषताओं और अभिलक्षणों पर निर्भर करती है और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करती है स्पीयरमैन ने। यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये चीज़ पूछी जाती है कि प्राचलिक सांख्यिकी कौन कहा मतलब कहाँ से आई, तो वो आई है पियर्सन से और ये है स्पीयरमैन से। ये बहुत कन्फ्यूजन कर देते आगे चल के का अनुक्रम सहसंबंध। पियर्सन मैन का अनुक्रम से संबंध काई वर्ग मान विटनी यू परीक्षण को हम अप्राचलिक सांख्यिकी तकनीकों का नाम देते हैं। यह तकनीक के आवंटन मुक्त तकनीकें हैं, दूसरे शब्दों में ये आंकड़ों के प्रसामान्य या इसी प्रकार के किसी विवरण के अनुसरण की मान्यता से बाधित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये किसी चीज़ से बाध्य, जैसे कि वो बाध्य थी कि अविश्वाधीन जनसंख्या के विषय में जानकारी प्रदान करता है और जनसंख्या केंद्रीय प्रवृत्ति प्रसरण से संबंधित आदि की जनसंख्या संबंधों को सूचक को मापक कहा जाता है। ये जो चीज़ें उसमें नहीं मापी जा सकती वो अप्राचलिक सांख्यिकी मापती है, उसको बाध्य नहीं है। जैसे कि प्राचलिक सांख्यिकी तकनीकें होती है, कुछ तकनीकें होती है उसमें, अप्राचलिक सांख्यिकी को ऐसे प्रश्न कहा जाता है जिनमें जनसंख्या प्राचल विषयक परिकल्पनाओं का सत्यापन नहीं होता है। तो अप्राचलिक सांख्यिकी विवरण मुक्त सांख्यिकी कहते हैं जिनमें प्राचलिक सांख्यिकी वाली मान्यता आवश्यक नहीं होती होती है। ठीक है, प्राचलिक सांख्यिकी की मान्यता इधर कुछ नहीं दिया है, देख लो। तो प्राचलिक सांख्यिकी की मान्यता है, प्राचलिक सांख्यिकी की मान्यता है क्या है, शोध प्रतिदर्श जिस जनसंख्या के लिए लिया गया उसका विवरण प्रसामान्य है। ठीक है, चरों का मापन अंतराल या अनुपातिक पैमाने पर होता है। चरों का मापन अंतराल अनुमानिक या मापनीय पैमाने पर होता है। अवलोकन का परस्पर स्वतंत्र होना आवश्यक है और किसी जनसंख्या जिस जनसंख्या में शोध प्रतिदर्श दिया गया उसका प्रसमान स्वरूप होना चाहिए। मतलब इसमें ये जो मान्यता है वो है अप्राचीन सांख्यिकी की मान्यता है आंकड़ों का विवरण है, प्रसमान की मान्यता नहीं है, उसमें कोई मान्यता नहीं है कि प्रसमान होना उनका इम्पोर्टेंट है। चरों का मापन नामित अनुमानिक पैमाने पर हो सकता है, दोनों पैमाने पर किया जाता है। अवलोकन का परस्पर स्वतंत्र आवश्यक नहीं, इसमें अवलोकन का जो परस्पर स्वतंत्रता का आवश्यकता भी नहीं है। जिस जनसंख्या पर शोध प्रतिदर्श दिया गया उसमें प्रसमान की असमता आवश्यक नहीं है। तो प्रसमान्य चीजें जो है, प्रसमान्यता जगह जगह यूज हो रहा है, इस चीज़ों को पहले से ही बीपीसीसी 104 में पढ़ाया गया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तो बहुत सिंपल हो जाता है अगर आप बीपीसीसी 104 पढ़े हुए और समझ में आ चुका है आपको,
तो ये चीज़ आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। और ये चीज़ें समझाने में बहुत टफ है क्योंकि इसमें फिर पूरा BPCC 104 समझानी पड़ेगी और इतना समय मेरे पास भी नहीं है, तो इस चीज़ों का ऐसे ही समझो। प्राचलिक एवं अप्राचलिक सांख्यिकी के अनुप्रयोग एवं उपयोग, ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 दिसंबर के एग्जाम में आया हुआ है। प्राचलिक अप्राचलिक सांख्यिकी का प्रयोग अनुपयोग उनकी मान्यताओं के लागू होने पर निर्भर करता है। जब उनकी मान्यताएं लागू हो जाती तभी वो अनुपयोग होगा या उपयोग होगा, ठीक है। सांख्यिकी की किसी विधि का प्रयोग तय करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि यदि उपयुक्त मान्यताएं पूरी हो रही है तो प्राचलिक अवस्था फिर अप्राचलिक विधियों का ही प्रयोग करना होगा। अतः विधा विषयक निर्णय करते समय पिछले भाग में चर्चित मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ प्राचलिक सांख्यिकी की मान्यताएं और शर्तें पूरी हो रही हैं और हमें दोनों स्वतंत्र समूहों या प्रतिदर्श में अंतर की जांच करनी हो तो स्वतंत्र टी परीक्षण नामक सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ यहाँ की जैसे कि उदाहरण में पहले आज फर्स्ट वाले में बताए हुए थे, जहाँ आवर्तित मापन वाले दो समूहों मतलब जिसमें आवर्ती होती है वो की तुलना होती है, जहाँ युग्मित टी परीक्षण किया जाता है, जहाँ दो या दो से अधिक समूह का प्रतिदर्श में अंतर और समीक्षा करनी हो वहाँ प्रसरण विश्लेषण एनोवा का प्रयोग होता है, जैसा कि सबसे पहले वाला उदाहरण में था पहले वाले पार्ट में, ठीक है। प्राचलिक सांख्यिकी का मुख्य लाभ यही है कि जनसंख्या के विषय में सभी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध होती है, अतः इस जहाँ इनकी मान्यताएं शर्तें पूरी हो रही है वहां पर प्राचलिक सांख्यिकी अधिक सशक्त होती है। हाँ, कितनी ही बार उन शर्तों का पूरा होना कठिन हो जाता है, साथ ही प्राचलिक सांख्यिकी की गणना एवं गणनाएं करना काफी जटिलता पूर्वक होता है और अप्राचलिक सांख्यिकी आसान में बहुत कम मान्यताएं होती हैं, इस कारण इनका उपयोग करना सरल होता है। इन विधियों का प्रयोग वहां किया जाता है जहाँ प्राचलिक सांख्यिकी की मान्यताएं पूरी ना हो, जैसे कि हमने पहले बताया था इन विधियों का प्रयोग वहां किया जाता है जहाँ सांख्यिकी की मान्यताएं पूरी ना हो। प्राचलिक सांख्यिकी की वहाँ उदाहरण के लिए, यदि उदाहरण क्या देना है तुम लोग कुछ पढ़ना उदाहरण, जहाँ प्राचलिक विधि की मान्यता पूरी नहीं हो पाती वहाँ स्वतंत्र समूहों का प्रतिदर्शों में अंतरों के मापन के लिए अप्राचलिक सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ हमारा वास्तव निर्भर या परस्पर संबंधित प्रतिदर्शों या समूहों में से हो या उनके अंतरों के परीक्षण आदि सांख्यिकी विधियाँ यहाँ उपयोग होती है। तो आगे हम लोग का प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षणों में अंतर, तो बहुत सिंपल अंतर है, जो चीज़ इसमें होती है नहीं होती है वो चीज़ इसमें होती है, बस इतना ध्यान रखो। प्रसमान वितरण की मान्यता होती है, उसमें कोई मान्यता नहीं होती है, विवरण का प्रसमान होना आवश्यक ही नहीं है उसमें। तो प्रसरण समरूप या सातत्य होता है, प्रसमान विषम भी हो सकते हैं और उसके बारे में कोई मान्यता नहीं होती। मापन पैमाने अंतरालीय और अनुपानित होते हैं, मापन नामिक और अनुक्रमिक पैमाने पर होता है, अवलोकन परस्पर स्वतंत्र होने चाहिए, अवलोकन की स्वतंत्रता विषय की कोई मान्यता ही नहीं होती है कि स्वतंत्र हो या अस्वतंत्र हो। यहाँ माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन माप कर प्रयोग करते हैं, मापक मानकर प्रयोग करते हैं, यहाँ माध्यिका को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक मानकर प्रयोग करते हैं। माध्यिका आपको पता होना चाहिए, माध्यिका क्या होती है और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है, ये सब भी पता होना चाहिए। यहाँ गणना अप्राचलिक विधियों की अपेक्षा अधिक जटिल होती है, वहाँ सरल होती है, यह बहिशाइयों से प्रभावित हो सकता है, यह बहिशाशियों शाइयों के प्रभाव अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो सारांश आ चुका है, मतलब कि अगला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए मैं अभी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सच में अगर आप नहीं पढ़े हो BPCC 104 तो आपको ये चीज़ें सर के ऊपर से क्या बहुत ही ऊपर से आसमान से ही चली जाएंगी। ये सर के ऊपर से जो चीज़ आती है उसको आप थोड़ा उछल कूद करके हाथ से मदद से डंडा मार के पकड़ सकते हो, ये चीज़ें पकड़ाती नहीं है ये चीज़ बहुत ऊपर से जा रही है तो आप नहीं पकड़ पाओगे इसका। और किसी भी तरह की कोई डाउट या प्रॉब्लम हो वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड वीडियो और प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियो बहुत सारी वीडियोस आती रहती है जिसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और आप वीडियो को हर एक पॉइंट्स को समझो सीखो और कोई भी आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए आप वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में।
मेहनत करते रहो, सब कुछ पालोगे।